हे दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस लेक्चर एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 14, सोर्स ऑफ एनर्जी। इन प्रीवियस वीडियो यू स्टडीड अबाउट सोलर एनर्जी एज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अनदर टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ओशियन एनर्जी। देर आर थ्री काइंड ऑफ ओशियन एनर्जी। फर्स्ट वन टाइडल एनर्जी, सेकेंड वेव एनर्जी एंड थर्ड वन ओशियन थर्मल एनर्जी। लेट्स सी फर्स्ट टाइडल एनर्जी। अर्थ एंड मून दोनों की जो स्पिनिंग रोटेशन है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये ग्रेविटेशनल डिफरेंस ओशियन का जो वाटर है उसे मूव करता है, जिसकी वजह से डेली टू टाइम ओशियन का वाटर आउटसाइड आता है एज अ हाई टाइड और वापस से इनसाइड जाता है एज अ लो टाइड। तो अगर हम ऐसे ही प्लेस को फाइंड आउट करें जहाँ पर ये हाई टाइड एंड लो टाइड बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होती है, और हाई टाइड एंड लो टाइड के वे में, उसके रास्ते में अगर हम टर्बाइन फिक्स कर दे, तो यस, ये जो हाई टाइड एंड लो टाइड की जो एनर्जी है उसके थ्रू टर्बाइन रोटेट होगा, और टर्बाइन रोटेट होगा तो उसके साथ हमने अटैच करके रखा है जनरेटर, वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ये टाइडल एनर्जी हम ऐसी जगह प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पर हाई टाइड एंड लो टाइड ज़्यादा अमाउंट में ऑब्जर्व होती हो, एंड सेकेंड जहाँ पर ओशन का नैरो सी हो, ओके, जहाँ पर ओशन का नैरो एंड हो, वहाँ पर हम डैम जैसा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करके टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड वेव एनर्जी। वेव एनर्जी, तो आपने कभी कोई बीच पे विजिट किया होगा तो देखा होगा कंटिन्यूसली वेव्स आती हैं, कंटिन्यूसली लहरें आती रहती हैं। ये लहरें कैसे आती हैं? तो ओशियन के जो सरफेस है उसके ऊपर जो विंड है, वो विंड जब मूव होती है तो उसके साथ साथ ओशियन का वाटर भी मूव होता है। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर हाई विंड होती है जिसकी वजह से वेव्स ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोड्यूस होती है। तो ये जो वेव जो है, जो वाटर का वाटर मूव हो रहा है, उसकी एनर्जी को हम कहेंगे वेव एनर्जी। तो कुछ ऐसे भी डिवाइस डेवलप किए गए हैं जो ये जो वेव एनर्जी है उसका यूज़ करके टर्बाइन रोटेट करेंगे। टर्बाइन रोटेट होगा तो जनरेटर जो है उसके साथ फिक्स है, वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, दैट्स कॉल्ड वी वेव एनर्जी। ओके, वेव एनर्जी में कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये इको फ्रेंडली भी है। ओके, थर्ड वन ओशियन थर्मल एनर्जी। तो लुक एट द नेम, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन दैट मीन्स ओशियन की बात हो रही है, थर्मल हीट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर हम ओशियन की हीट एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो डे टाइम में जब सनलाइट की वजह से ओशियन की अपर लेयर का जो वाटर है, अपर सरफेस का जो वाटर है, वो धीरे धीरे हो जाएगा हॉट कंपेयर टू लोअर लेयर। लोअर लेयर का वाटर रहेगा कोल्ड। तो ये दोनों लेयर के बीच में जो हीटनेस का डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, इसका यूज़ करके हमें प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हमें एमोनिया लाइक वॉलेटाइल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लोअर टेम्परेचर पे बॉयल होने लगते हैं, फॉर एग्जांपल एमोनिया। एमोनिया जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। तो इतने लो टेम्परेचर पे एमोनिया जब बॉयल होगा तो उसके अंदर से जनरेट होगी वेपर। तो एमोनिया की वेपर जनरेट हुई, और वो वेपर के अंदर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो वो टर्बाइन को रोटेट करेगा, फोर्स करेगा उसके। टर्बाइन रोटेट होगा तो उसकी वजह से जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अभी जो एमोनिया की वेपर है उसे हम पाइप के थ्रू भेजेंगे डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड भेजेंगे जहाँ पर कूल वाटर अवेलेबल है। ये कोल्ड वाटर के थ्रू वेपर धीरे धीरे कंडेंस होगी, कंडेंस होगी तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम अगेन पंप के थ्रू ऊपर ड्रिल करेंगे। ओके, पंप के थ्रू जब हम ड्रिल करेंगे तो वापस वो हॉट सरफेस पे आई, हॉट सरफेस पे आएगा तो वापस से वो कन्वर्ट होगा इनटू वेपर, अगेन उसमें एनर्जी आ गई। ओके, एनर्जी आई तो अगेन टर्बाइन रोटेट होगा, टर्बाइन रोटेट होगा तो उसके साथ साथ जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स ये फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी।
ओके तो ये था ओशियन थर्मल एनर्जी। ये ओशियन थर्मल एनर्जी ऐसे प्लेस पे बना सकते हैं हम जहाँ पर हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स का डिफरेंस हो, डिस्टेंस हो, ओके एंड दोनों के जो हीटिंग टेम्परेचर है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना ज़रूरी है। ओके तो आई होप आपको ओशियन थर्मल एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम द सी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।